मैं विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार चुनाव की तारीख और प्रत्याशी दोनों का ऐलान होने के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ भागलपुर पुलिस भी इसकी तैयारी में जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही भागलपुर के समाहरण न्यायालय में बैठकों को दौर जारी है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में केवल चुनावी कार्यों पर ही जिला प्रशासन को काम नहीं करना है, बल्कि चुनावी कार्यों और वोट देने के दौरान कोरोना वायरस से भी संभलना है। उसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों ही सख्ती से अपना काम कर रही है। इसके साथ ही चुनाव में कोविड-19 के नियमों का पालन करने से संबंधी दिशा निर्देश भी लागू किए गए हैं। आपको बता दें, दिशा निर्देश के अलावा सदर SDO के कार्यालय में अलग अलग हेल्थ डेस्क कंट्रोल रूम भी बनवाए गए हैं और टेंट लगाने का काम भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर से किस किस को टिकट मिली है और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। भागलपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे का नाम BJP से सामने आया है और इनके विरोध में कांग्रेस से अजीत शर्मा खड़े हैं, जिन्होंने पिछले 2 टर्म से भागलपुर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। वहीं लोजपा से शहर के युवाओं का साथ लेकर चलने वाले युवा नेता राजेश वर्मा, जो अभी डिप्टी मेयर भी है, वह भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इसके अलावा भागलपुर के पूर्व मेयर दीपक भुवानिया का नाम भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। वहीं जन अधिकार पार्टी से बिजली की रानी के नाम से जाने जाने वाली रानी चौबे का नाम सामने आया है। अब देखना यह है, इतने प्रत्याशियों में जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। बिहार चुनाव और शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ TV के साथ।